बलबीर सैनी का बड़ा बयान कि बीजेपी को हराने का कार्य कुछ ऐसे वर्ग कर रहे हैं जो बीजेपी के नजदीक हैं। और पूर्व मंत्री बलबीर सैनी जी ने कहा कि उनको डर है कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो उनका चौधरी पना न चला जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी क्यों इस विषय पर गौर नहीं करते कि कौन हो सकते हो जो इस सीट मिटाना चाहते हैं। शहर के मौजी आदमी का बयान कि बीजेपी सीट को हराने का कार्य पहले भी भारत भूषण भारती ने किया और आज भी इस सीट को हराने का कार्य भारत भूषण भारती ही का होगा। वह नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई और व्यक्ति आकर के यहाँ अपना राज चलाए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कैमरे के सामने न करके बोल यही भाषण रहे थे कि यह सच्चाई है और लोगों ने कहा कि वह सरकार का प्यारा भी है। सर, जैसे पब्लिक कहती है कि पिछले प्लान में भी बीजेपी की सीट किसी व्यक्ति ने हराई थी, आपका क्या मानना है? इस सीट को कौन हराता? पिछले प्लान में भी हराई और अब की बार भी वो चाहता, कौन है वो व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति भारत भूषण भारती है जी। जी, जो यहाँ से नहीं चाहता भी कोई कैंडिडेट जीत कर जाए। जी, क्यों? अगर कैंडिडेट यहाँ जीत के जाएगा, हाँ जी, तो उसके नंबर कट जाएंगे। जी, उसे कोई नहीं पूछेगा। जी, वो चाहता है मेरे ऊपर कोई नहीं जाए। जी, सिर्फ मेरी ही यहाँ चौधर रहे। और यहाँ जो 50-50 साल से कार्यकर्ता बैठे हैं, आज किसी को मान सम्मान नहीं है पार्टी के अंदर। जी, जबकि कार्यकर्ता सारे दिन मरता है, खपता है, अपना कारोबार छोड़ता है। जी, और लोगों ने भीमता जाके हमारी पार्टी को वोट दो। जी, और जो कोई काम होता है उसको काम नहीं मिलता कोई भी। जी, तो क्या लगता है आपको कि भारत भूषण भारती ही पिछली बार सीट यही रहते हैं जी सब, और अब की बार भी आपको क्या लगता है? अब की बार भी ना कमजोर कैंडिडेट उतारे नीचे, जबकि ओंकार सबसे मजबूत कैंडिडेट था। जी, और उसको भरोसा दिया गया। जी, उसके साथ धोखा गया पार्टी ने। जी, घर के ऊपर छुरी चलाई है इन्हें।